नमस्कार दोस्तों, सौर एकेडमी में आपका एक बार फिर स्वागत है। और कल हमने मध्य प्रदेश के संवैधानिक व्यवस्था और पंचायती राज से संबंधित कुछ प्रश्नों को देखा था। आज उससे आगे के प्रश्नों को देखते हैं। ये MPSC और पटवारी दोनों ही एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है, मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रथम नेता प्रतिपक्ष कौन थे? मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रथम नेता प्रतिपक्ष कौन थे? तो प्रथम नेता प्रतिपक्ष की बात करें तो ये विश्वनाथ यादव ताम्रस्कार थे। कौन थे? विश्वनाथ यादव ताम्रस्कार। और जो पहली विधानसभा गठित हुई थी 56-57 में, उसके ये विपक्ष के नेता थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से किस दिवस ग्राम सभा की बैठक का आयोजन अनिवार्य नहीं है? तो यहाँ पे देखते हैं, अनिवार्य नहीं है पूछा जा रहा है, अनिवार्य नहीं है। श्रम दिवस को अनिवार्य है, गणतंत्र दिवस को अनिवार्य है, स्वतंत्रता दिवस को अनिवार्य है, इसके लिए इसके अलावा गांधी जयंती को भी अनिवार्य है। तो ये इसमें से तीनों जो आंसर है वो इनमें से तीनों नहीं है। डिटेल इसकी देख लेते हैं। पंचायती अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार अधिनियम 1996 के अनुसार गणतंत्र दिवस, श्रम दिवस, स्वतंत्रता दिवस और गांधी जयंती के अवसर पर देश भर में ग्राम सभा की बैठकों के आयोजन के लिए पंचायती राज कानून अनिवार्य रूप से प्रावधान में शामिल किया गया है, मतलब अनिवार्य रूप से है। और यहाँ पे पूछा है अनिवार्य नहीं है, तो ये तीनों ही नहीं है इसमें से। श्रम दिवस भी में भी अनिवार्य है, स्वतंत्रता दिवस में भी अनिवार्य है, गणतंत्र दिवस में अनिवार्य है, इसके अलावा गांधी जयंती में भी अनिवार्य है। नेक्स्ट देख लेते हैं। समन्वित ग्रामीण विकास योजना IRDP का मुख्य लक्ष्य क्या है? तो इसका जो मुख्य लक्ष्य है वो ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को रोजगार दिलाना, ताकि वो गरीबी रेखा से ऊपर उठ सके। डिटेल देख लेते हैं इसकी। 2 अक्टूबर 1980 योजना का प्रारंभ की गई थी। 2 अक्टूबर 1980 को समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम का जो मुख्य लक्ष्य है ग्रामीण निर्धन परिवारों को स्वरोजगार हेतु ऋण उपलब्ध कराना, निर्धन परिवारों को ऋण उपलब्ध कराना, ताकि वो उन्हें रोजगार प्रदान किया जा सके और जिससे इस कार्यक्रम के अंतर्गत सहायता प्राप्त परिवार गरीबी रेखा से ऊपर उठ सके, गरीबी रेखा से ऊपर उठ सके। और 1 अप्रैल 1999 को इसे स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में मिला दिया गया था। तो ये भी याद रखिएगा, इसे कहाँ मिला दिया गया था? स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। किसकी सिफारिश पर भारत में पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई थी? तो ये बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर। किसकी? बलवंत राय मेहता समिति पर। इन्होंने 30 पंचायती राज की सिफारिश की थी, त्रिस्तरीय पंचायती राज की सिफारिश की थी बलवंत राय मेहता समिति। और इसका जो गठन हुआ था 1956 में हुआ था और इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी थी 1957 में, और इनकी सिफारिशों को 1 अप्रैल 1958 से लागू कर दिया गया था। तो जो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की सिफारिश की थी वो किस समिति की सिफारिश पर? तो बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर। नेक्स्ट देख लेते हैं। जिला पंचायत के गठन हेतु न्यूनतम जनसंख्या कितनी होनी चाहिए? तो यह है 50,000। यहाँ पे ये ऐड कर लीजिएगा, जिला पंचायत के वार्ड, जो वार्ड सदस्य होते हैं उनके गठन हेतु, जिला पंचायत के वार्ड के गठन हेतु न्यूनतम जनसंख्या कितनी होनी चाहिए? वो 50,000 होनी चाहिए। जिला पंचायत के वार्ड के गठन हेतु 50,000 से अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्रों में किया जाता है। और जिला पंचायत के जो सदस्यों की संख्या होनी चाहिए वो न्यूनतम 10 हो सकती है और अधिकतम 35। तो ये भी याद रखिएगा कि जिला पंचायत के में जो सदस्य हो सकते हैं वो न्यूनतम 10 और अधिकतम 35 होते हैं, जिसका निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा होता है। इन्हीं में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष भी चुने जाते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? तो मध्य प्रदेश विधानसभा के सदस्यों की संख्या 230 है, 230 प्लस 1। एक एंग्लो इंडियन को राज्यपाल मनोनीत करते हैं। तो इसको देख लेते हैं डिटेल्ड। 1 नवंबर 2000 को जब छत्तीसगढ़ भारत मध्य प्रदेश से अलग हो गया था, तो उसके बाद जो विधानसभा सीटों की संख्या 230 हो गई है, जिसमें 35 सीटें, ये भी याद रखिएगा, 35 सीटें अनुसूचित जाति और 47 सीटें अनुसूचित जनजाति, 35 सीटें SC और 47 सीटें ST के लिए आरक्षित कर दी गई हैं। साथ ही संविधान सभा के अनुच्छेद 331 में राज्यपाल द्वारा एक भारतीय सदस्य को, एक आंग्ल भारतीय, एंग्लो इंडियन को मनोनयन किया जाता है। तो ये भी याद रखिएगा। तो 230 प्लस 1, 230 विधानसभा के सदस्य हो गए, एक आंग्लो इंडियन जिन्हें राज्यपाल मनोनीत करते हैं। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य पीठ जबलपुर का निर्माण किसने किया था? तो ये किए थे
राजा गोकुलदास ने, किसने किए थे, प्रसिद्ध व्यापारी थे और 1989 में वर्तमान मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य पीठ जबलपुर में निर्माण कराया गया था। किसके द्वारा कराया गया था? राजा गोकुलदास के द्वारा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? तो 74वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। कौन सी? 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। और 73वें संविधान संशोधन द्वारा 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, जिसमें पंचायती राज से संबंधित है, और जो 12वीं अनुसूची है ये नगर निकाय से संबंधित है, नगर पालिका वगैरह इससे संबंधित है, याद रखिएगा। पंचायतों हेतु वर्किंग ग्रुप ऑन पंचायत एंड कोऑपरेटिव संबंधी अध्ययन किस समिति द्वारा किया जाता है? तो ये SD मिश्रा समिति द्वारा किया जाता है और 1961 में गठन हुआ था। डिटेल देख लेते हैं। 1961 में गठित SD मिश्रा समिति का संबंध पंचायत एवं सहयोग संबंधी अध्ययन से है। किस अध्ययन से? पंचायत एवं सहयोग संबंधी अध्ययन, पंचायत एंड कोऑपरेटिव संबंधी अध्ययन से है, जिसे वर्किंग ग्रुप ऑन पंचायत एंड कोऑपरेटिव भी कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। देश का पहला डिजिटल हाई कोर्ट कहाँ है? तो मध्य प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य है जहाँ पर डिजिटल हाई कोर्ट की स्थापना की गई थी। कब? 2017-18 में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट देश का पहला डिजिटल हाई कोर्ट है, याद रखिएगा। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट जो है देश का पहला डिजिटल हाई कोर्ट है, यहाँ डिजिटली हाई कोर्ट की सुनवाई वगैरह होती हैं, तो ये याद रखिएगा। और ये 2017-18 सुनवाई शुरू हुई थी। नेक्स्ट देख लेते हैं। मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1993 में द्वितीय संशोधन कब किया गया? तो मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1993 में द्वितीय संशोधन 23 दिसंबर 1993 को किया गया। कब किया गया? 23 दिसंबर 1993 को किया गया। और इसके माध्यम से जनपद और जिला पंचायतों को, याद रखिए, जनपद और जिला पंचायतों को उन्हें स्थायी समितियों की संख्या में परिवर्तन करने का अधिकार और विषय में परिवर्तन करने का अधिकार, ये अधिकार दे दिए गए थे। स्थायी समितियों की संख्या एवं विषय परिवर्तन के अधिकार दिए गए थे। और जिला एवं जनपद पंचायत के उपाध्यक्ष को, जिला और जनपद पंचायत के उपाध्यक्ष को शिक्षा समिति का अध्यक्ष बनाया गया था, तो ये भी याद रखिएगा। वो कौन सा संशोधन था? द्वितीय संशोधन था। कब हुआ था? 23 दिसंबर 1994। नेक्स्ट देख लेते हैं। मध्य प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1956 के अनुसार आयुक्त कमिश्नर, नगर निगम कमिश्नर जो होते हैं, निगम का निकाय होते हैं, तो वो कौन होते हैं? प्रधान कार्यकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा नगर पालिकाओं में संवैधानिक दर्जा दिया गया। नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा 74वें संविधान संशोधन द्वारा दिया गया था। और नगर निगम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी का आयुक्त होता है, जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी होते हैं वही नगर निगम के आयुक्त होते हैं, नगर निगम कमिश्नर होते हैं। ये राज्य सरकार द्वारा नियुक्त होते हैं और इनका जो वेतन है वो निगम कोष द्वारा दिया जाता है, तो याद रखिएगा। जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी होते हैं वही नगर निगम के आयुक्त होते हैं। अटल किसान महापंचायत कार्यक्रम कब आयोजित किया गया था? तो जो अटल किसान महापंचायत है ये 15 जुलाई 2012 को आयोजित किया गया था, 15 जुलाई 2012 को आयोजित किया गया था राजधानी भोपाल में, राजधानी भोपाल के जम्बूरी मैदान में। मध्य प्रदेश जिला योजना समिति अधिनियम किस वर्ष पारित की गई थी? तो मध्य प्रदेश जो जिला योजना समिति अधिनियम थी वो 1995 में पारित की गई थी, 1995 में पारित की गई थी। और जिला योजना समितियों को अधिनियमित करने के उद्देश्य 74वां संविधान संशोधन 1993 प्रभाव में लाया गया था। निम्न में से किस राज्य में एकल स्त्री पंचायती राज की व्यवस्था? एकल स्त्री मतलब एक स्त्री, जो त्रिस्त्री पंचायती राज है एक स्त्री पंचायती राज, तो एक पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत विभिन्न स्त्री पंचायतों की व्यवस्था की गई है, लेकिन जो एकल स्त्री पंचायती राज हैं केरल, त्रिपुरा, सिक्किम, मणिपुर, जम्मू कश्मीर, द्विस्त्री पंचायती राज की बात करें तो असम, कर्नाटक और उड़ीसा में है, तो ये भी याद रखिएगा। आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लिए हैं। अभी जो पंचायतों से संबंधित जो अनुच्छेद हैं, जो पंचायती राज से संबंधित जितने भी अनुच्छेद हैं वो अनुच्छेद 243 के अंतर्गत हैं। किसके? अनुच्छेद 243 के अंतर्गत। और उनके सब क्लास क्या क्या हैं वो देख लेते हैं। तो अनुच्छेद 243 में परिभाषा है पंचायती राज की, परिभाषा 243A में ग्राम सभा का वर्णन है, 243B में पंचायतों का संवैधानिक वर्णन है, सी में पंचायतों का गठन, डी में सीटों के आरक्षण के विषय में बात कही गई है, ई में पंचायतों का कार्यकाल की बात कही गई है, एफ में सदस्यता, सदस्यों की अयोग्यता संबंधी प्रावधान है,
जी में हम बात करें तो पंचायतों की शक्तियां, प्राधिकार तथा उत्तरदायित्व। जे में पंचायतों का लेखा का अकेक्षण। के में पंचायतों का चुनाव। एल में संघीय क्षेत्रों पर लागू होना। एम में कतिपय मामलों में इस भाग का लागू नहीं होना। एन में पहले से विद्यमान कानूनों में पंचायतों का जारी रहना। और ओ में चुनावी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप पर रोक। ओ में क्या है, चुनावी मामलों में न्यायालय हस्तक्षेप नहीं कर सकती है, न्यायालयों के हस्तक्षेप पर रोक। इस तरह से हम पंचायती राज से जो संबंधित सब क्लास थे वो देखे। अब जो नगरीय निकाय नगर पालिकाओं से संबंधित है वो देख लेते हैं। 243 में परिभाषा। 243X में नगर पालिका के गठन। आर में नगर पालिका की संरचना। एस में वार्ड समितियों, जो वार्ड समितियां होती हैं इत्यादि के गठन और उनकी संरचना। टी में सीटों का आरक्षण। यू में नगर पालिका का कार्यकाल। वी में सदस्यों की अयोग्यता संबंधी प्रावधान। डब्ल्यू में नगर पालिका की शक्तियां, प्राधिकार एवं दायित्व। आगे देख लेते हैं। यक्ष में नगर पालिका द्वारा कर आरोपण की शक्ति, जो नगर पालिका कर लगाती है तो उसकी शक्तियां तथा निधि इत्यादि का वर्णन किसमें किया गया है, एक्स में। वाई में वित्त आयोग। जेड में नगर पालिकों का लेखा का अकेक्षण। जेड ए में नगर पालिका का चुनाव। जेड बी में संघ शासित प्रदेशों में लागू होना। जेड सी में कपितय क्षेत्रों में इस भाग का लागू नहीं होना। जेड डी में जिला आयोजन की समितियां। जेड ई में महानगरीय आयोजन के लिए समिति। जेड एफ में नगर पालिकाएं तथा विद्यमान कानूनों का जारी रहना। और जेड जी में चुनावी मामलों में न्यायालयों का हस्तक्षेप पर रोक। जेड जी में चुनावी मामलों में न्यायालयों का हस्तक्षेप पर रोक। इस तरह से हमने संवैधानिक व्यवस्था, मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था और पंचायती राज से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को देखा है। और इसके आगे के क्वेश्चनों को हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे, नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। वीडियो को पूरा देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि इस वीडियो का जो बेनिफिट है और लोगों को भी मिल पाए। चलिए आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। धन्यवाद।